हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स की चर्चा की थी। उसमें केवल इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। आज हम मैट्रिक्स की और बहुत सारी बातों की बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा था कि मैट्रिक्स में कैपिटल लेटर से ही शो करना चाहिए किसी मैट्रिक्स को, और स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना चाहिए। जैसे इसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको हमने रो और कॉलम में शो किए थे। अब आज आपको मैं एलिमेंट्स के नंबरिंग के बारे में बताता हूँ। जैसे इस एलिमेंट को हम A11 से शो करते हैं, A12, A13, A21, 22, 23। और आगे अगर इसको बढ़ाना है, थर्ड रो में A31, 32 और 33। अब इसका मीनिंग समझिए आप। A11 का मीनिंग ये है कि रो नंबर वन का एलिमेंट नंबर वन ही है। A11 का मीनिंग क्या हुआ? रो नंबर वन का एलिमेंट नंबर वन, रो नंबर वन है, एलिमेंट नंबर वन ही। अगर A12 की बात करता हूँ तो रो नंबर वन का ही एलिमेंट है, बट एलिमेंट नंबर कौन सा हो गया? टू। रो नंबर वन एंड एलिमेंट नंबर वन, रो नंबर वन एलिमेंट नंबर टू, रो नंबर वन एलिमेंट नंबर थ्री। जैसे 21 पे जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा रो नंबर टू एलिमेंट नंबर वन। इस प्रकार से इसकी नंबरिंग को आपको कंटिन्यू करना है। अब इनके साइन की बात करते हैं। बहुत बार इनके साइन की भी ज़रूरत लगेगी आपको। तो A11 की बात करेंगे हम। 11 यानी 1 एंड 1, तो 1 प्लस 1 अगर इनका सम जो रहता है, यानी इनका जो जोड़ रहता है, अगर वो ऑड नंबर और इवन नंबर पे देखेंगे हम, अगर ये आपका इवन मतलब सम संख्या है, तो जो एलिमेंट यहाँ पर हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम। और 1 2 1 प्लस 2, ये आपका ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम आ रहा है, तो विषम आने पर आपको जो साइन एलिमेंट का लेना है वो माइनस लेना है। कुछ जगह आपको इसकी आवश्यकता लगेगी, उस समय बताऊंगा कि ये प्लस और माइनस का कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद में एक और बात, स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर नंबर से, किसी भी स्केलर नंबर से अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोई एक स्केलर नंबर है के, उसका अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस स्केलर नंबर का पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 6। एक स्केलर नंबर लेता हूँ मैं 2, तो 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स वी हैव टू फाइंड 2a, तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स से होगा, यानी 4 6 2 एंड 12। ठीक है, इसी से एक डेफिनेशन और, नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, इट इज शो बाय माइनस ए। इसको हम माइनस ए से डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स को मैंने ए लिया, 2 -3 6 4, तो इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स मींस माइनस ए। माइनस ए यानी कि माइनस एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स में माइनस का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा -2 3 -6 एंड 4, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। उसके बाद और आगे हम चलते हैं, तो एक और नई बात जो बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त, इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्त, ट्रांसपोज, ट्रांसफर शब्द जैसा लग रहा है, और परिवर्त मतलब परिवर्तन लग रहा है। ट्रांसपोज में क्या करना है आपको? इंटरचेंज करना है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। बहुत इजी है, देखिए। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, इट इज़ द ऑर्डर, द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 2 1 1 2 3, एंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 बाय 3। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डर को लिखने के लिए सबसे पहले रो को डिफाइन करना चाहिए और बाद में कॉलम को। नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, therefore the order of this matrix is 2 by 3. then we getting a dash,
एडेस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय ए टू द पावर टी। इसको हम एडेस से भी शो करते हैं और ए की पावर अगर टी लगा दिया मीन्स ये ट्रांसपोज ऑफ ए को शो करता है। अब मैंने अभी आपको बताया ट्रांसपोज निकालते समय वी हैव टू इंटरचेंज द रोज आर कॉलम, या तो रो को चेंज कर दीजिए आप इंटरचेंज कर दे कॉलम में, या कॉलम को रो में बना दीजिए। जैसे 3-2-1 है, ये नंबर वन रो थी, इसको आप कॉलम बना दीजिए 3-2-1, देन रो नंबर टू है इसको कॉलम नंबर टू बना दीजिए 1-2-3। तो निश्चित रूप से ऑर्डर भी चेंज होगा क्योंकि आपने जो रो थी उसको कॉलम बना दिया और कॉलम थे वो रो बना दिया। तो ये 2/3 थी, अब आप देख रहे हैं 1-2-3, थ्री रो हो गई और कॉलम अभी भी कितने इसमें 2 है। ऑर्डर चेंज हो जाता है ट्रांसपोज होने पर, ये बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसपोज के बाद अब आपको ट्रांसपोज से कुछ रिलेटेड बातें याद होना चाहिए, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे आप। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है। अगर किसी मैट्रिक्स का पहले से ट्रांसपोज है और उसका फिर से एक बार ट्रांसपोज ले लें देन इट इज ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज था पहले से, अगर फिर से ट्रांसपोज लिया, आप खुद समझ रहे हैं कि अगर ये 2/3 की कोई मैट्रिक्स थी, आपने इसको 3/2 बनाया मीन्स ट्रांसपोज लिया, अगेन वी टेकिंग ट्रांसपोज देन ओरिजिनली आपको ए मिलने वाला है। जैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, ए इक्वल्स टू 3-2-6-4-4-1, टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिया क्या बनेगा, रो नंबर वन है इसको कॉलम बना देते हैं, रो नंबर टू है इसको कॉलम नंबर टू बना देते हैं 4-4-1। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, फिर से अगर ट्रांसपोज बनाते हैं तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखिए आप क्या बनेगा, रो नंबर वन है इसको कॉलम नंबर वन बना देते हैं, रो नंबर टू है कॉलम नंबर टू बना देते हैं, रो नंबर थ्री है कॉलम नंबर थ्री बना देते हैं। इसका ऑर्डर देखिए आप क्या बन गई, ये 1 और 2, टू रो है और कॉलम कितने 3। और आप देख रहे हैं बेसिकली ये वही मैट्रिक्स है ए, मीन्स जब हम किसी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो ओरिजिनली हमें एक मैट्रिक्स फिर से वही मिल जाती है, मीन्स आपको ये थ्योरम याद रखना है। सेकेंड, ए प्लस बी सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिक्स, ये देखिए आप सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिक्स, यदि दो मैट्रिक्स के योग का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है, देन इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बोथ मैट्रिक्स। ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडेस यानी ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। इसको भी अगर आप किसी एग्जाम्पल से वेरीफाइड करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। ओ ट्रांसपोज के बारे में बात करते हैं, इस पर 2-3 डेफिनेशंस आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशंस में सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ये बहुत जरूरी मैट्रिक्स हैं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे सिमेट्रिकल की बात करूँगा अभी मैं, तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स भी ट्रांसपोज में ही बेस्ड है। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना बहुत जरूरी है सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं सममित और विषम सममित, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स कहेंगे इसको हिंदी में। देखिए आप सममित और विषम सममित कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिमेट्रिकल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस आपको देयर इज नो चेंज, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए 3-2-2-1, अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो देखिए क्या होगा, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम बना दीजिए, 3-2 ये रो है इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ 3-2, रो नंबर 2 को मैं कॉलम नंबर 2 बनाऊंगा 2-1, देखिए आप देयर इज नो चेंज। अगर हमने ट्रांसपोज लिया तब भी कोई चेंज नहीं हुआ, मीन्स आपने देखा कि अगर एडेश करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स।
तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन ये हुई कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल्स टू ए। एक वर्गाकार मैट्रिक्स को हम सममित मैट्रिक्स कहते हैं यदि ए डैश का वैल्यू वापस ए के बराबर आता है। अब मैं इसको आपको बनाते बताता हूँ। देखो एग्जांपल मैंने एक विशेष टेक्निक से बनाया था, तो आपको भी मैं सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। एग्जांपल टू आपको बनाते सिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स 2x2 का ही कंसिडर किया, तो आप डायगोनल एलिमेंट में तो कुछ भी ले सकते हैं। ये डायगोनल पे मैंने 5 लिया, 7 लिया। अब डायगोनल से सेम डिस्टेंस पर जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप सेम लेना है। जैसे मान लीजिए 5 से मैंने इधर 4 लिया, तो इधर से जो डिस्टेंस था उधर भी आपको वही एलिमेंट को रिपीट करना उसी डिस्टेंस का, यहाँ भी 4 लेंगे आप। अब इसका आप डैश लेके देखेंगे, वापस आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स मिलेगा। 5, 4 रो नंबर 1 था, इसको आप कॉलम नंबर 1 बनाइए। रो नंबर 2 था, कॉलम नंबर 2 बनाइए। क्या देखा आपने? वापस वही मैट्रिक्स हुई। मीन्स ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को बनाने का तरीका है। एक और 3x3 का मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए 3, 6, 9 डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, बट डायगोनल से जो सेम डिस्टेंस रहता है उसका आपको विशेष ध्यान देना है, अन्यथा वो फिर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। जैसे 3 के बाद में यहाँ जो एलिमेंट होगा वही डिस्टेंस आपको यहाँ कंसिडर करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ 7 लिया, तो आपको यहाँ पर भी 7 लेना है। इससे यहाँ का जो एलिमेंट है, मान लो मैंने 10 लिया, तो इट इज़ आल्सो 10, ये भी आपको 10 लेना है। यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ डिस्टेंस फिर से देखिए, डायगोनल से था, इस डायगोनल की ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इस डायगोनल की ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, और इस डायगोनल की ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है। यहाँ जो एलिमेंट होगा वही यहाँ लेना है। मान लो मैं यहाँ लेता हूँ 9 तो ले चुके, इधर एक और ले लेते 11, यहाँ ले लेते हम 11। अब इसको एडेस बना के देखते हैं सेम आता है नहीं। अगर सेम आता है मीन्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 3, 7, 10 ये रो नंबर 1 था, इसको मैं कॉलम बनाता हूँ। देखिए आप 3, 7, 10 अगेन 7, 6 एंड 11 7, 6, 11 देन 10, 11, 9 रो नंबर 3 है, इसको कॉलम बना रहा हूँ 10, 11 एंड 9। देखिए मिला के सेम है क्या? 3, 7, 10 7, 6, 11 एंड 10, 11, 9 क्या देखा आपने? जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया फिर से वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको मिल रहा है। तो ये किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हैं, इसको देखने के लिए आप उसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे वही मैट्रिक्स वापस मिलेगी। और मैंने आपको इसको बनाते भी सिखाया। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक इसको हिंदी में बोलते हैं विषम सममित। विषम सममित और सममित में थोड़ा सा चेंजेस है बेस्ड ये भी ट्रांसपोज पर ही। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मिलता है, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। ए मैट्रिक्स ए सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। यानी किसी मैट्रिक्स ए, वर्गाकार मैट्रिक्स ए का को विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं यदि उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। इसको बनाने में भी आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल बना के देखते हैं। देखिए आप एक मैट्रिक्स को लेते हैं हम। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने में थोड़ी सी आपको टेक्निक याद रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक को बनाने के लिए जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स है उनको कंपलसरी 0 लेंगे आप, नहीं तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। जैसे 0, ये 0, यहाँ पर जो डिस्टेंस लेते थे हम, यहाँ पहले सेम लेते थे एलिमेंट्स, अब आपको सेम तो लेना ही है बट नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लेना है। जैसे 1 लिया तो यहाँ पर -1 ले लें आप। अब देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या हो रहा है। ट्रांसपोज लेते हैं, नंबर 1 रो है इसको कॉलम बना दीजिए आप, नंबर 2 रो है इसको कॉलम नंबर 2 बना दीजिए। क्या देखा आपने? वापस इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 0, ये 1, -1 एंड 0 इट इज़ इक्वल्स टू ए, मीन्स फाइनली माइनस ए। क्या देखा हमने? एडेश का वैल्यू माइनस ए के बराबर है। मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे बनाया? कंपलसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स उनको आपको 0 लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ हम कोई भी एलिमेंट ले सकते थे।
एक 3x3 का बना के बताता हूँ। देखिए आप, एक मैट्रिक्स ए को मैं लेता हूँ 0, 0 एंड 0, डायगोनल मैट्रिक्स 0, 0, डायगोनल एलिमेंट्स 0, 0 लेना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मान लो मैंने यहाँ 2 लिया, तो सेम डिस्टेंस का जो इधर एलिमेंट होगा उसको आप नेगेटिव लेना। अगर यहाँ नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पॉजिटिव ले लो, ये हम 3 ले लेंगे। यहाँ अगर आप नेगेटिव लेते हो, यहाँ माइनस नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ प्लस ले लेंगे। अब आप इसका जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए ये नंबर रो वन थी, रो नंबर वन, इसको कॉलम बनाते हैं, 0, 2, -3, -2, 0, -4, 3, 4, 0। इसमें माइनस साइन कॉमन लीजिए सभी में, एडेज का वैल्यू आ जाएगा 0, 2, -3, -2, 0, -4, 3, 4 एंड 0। मिला के देखिए आप, क्या ये मैट्रिक्स ए के बराबर हैं? माइनस कॉमन लिया अभी हमने, ये माइनस कॉमन लिया, ये इट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। देखिए ए से इक्वल हो रहा है, यानी हमने देखा कि एडेश ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आपने देखा सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप निश्चित रूप से बार बार व्यू करके और रिविजन करें, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ट्वेल्थ बोर्ड में करना ही है, मान के चलिए आप। इसके बाद में किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में शो कर सकते हैं। देखिए क्या बताया मैंने, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यानी कोई भी मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो कंपलसरी है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जब भी हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगी। टेकिंग ए मैट्रिक्स ए विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए को हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो हम देखेंगे कि इसको ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश के सम के बराबर लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए 1/2, 1/2, आप देखेंगे ये और ये, वापस इसका सॉल्यूशन करते हैं, 1/2 कॉमन, ए प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश, ए डैश से ए डैश कैंसिल हुआ, ए 2a, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स ये पार्ट 100% आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ही शो करेगा और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक को शो करेगा। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी शो इन द एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी वर्गाकार मैट्रिक्स को आप सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में अब हमने मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी चर्चा की, नाउ वी हैव टू ऑपरेट द मैट्रिक्स एज ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। देखिए आप एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम प्लस कैसे कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात आपको याद रखना है कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स को सम करना हो या उनका सब्ट्रैक्शन करना हो तो कंपलसरी कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। एक मैट्रिक्स को मैं लेता हूँ 3, 2, 1, 6, अगेन दूसरी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की लेते हैं 1, 1, 3, 2। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करते समय मैंने अभी आपको बताया कंपलसरी कंडीशन ये है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2x2 एंड 2x2। देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप प्लस करते जाएं तो आपको सम मिल जाएगा इनका। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अभी मैंने आपको नंबरिंग बताई आज 11, तो 11 से ही मल्टीप्लाई ये प्लस होगा। 11 पर पोजीशन कौन सा एलिमेंट है? 3, और यहाँ के 11 से पोजीशन कौन सा है? 1, तो 3 एंड 1, 4, 2 एंड 1, 3, 1 एंड 3, 4 एंड 6 एंड 2, 8। और एक और बात, जब भी हम दो मैट्रिक्स को सम करते हैं यानी कि प्लस करते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर भी वही होता है जो इन मैट्रिक्स का था। देखिए 2x2, 2x2 जो आंसर है वो भी 2x2 का है। सब्ट्रैक्शन भी इसी के साथ में कर लेते हैं। देखिए आप सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू मैट्रिक्स,
दो मैट्रिक्स का घटाव या अंतर करने के लिए भी यही कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक मैट्रिक्स इन्हीं का कर लेते हैं हम ए माइनस बी। देखिए आप ए माइनस बी करने के लिए आपको क्या करना है, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस कर लेना। जैसे 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 6 माइनस 4 6 माइनस 2 दैट इज 4। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, 3 बाय 3 का भी होगा, 3 बाय 3 इधर भी होना चाहिए, 3 बाय 2 तो 3 बाय 2 ये होना चाहिए। दो बातें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखना है, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनका प्लस या माइनस करते समय उनके करिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। नाउ अगर आपके पास ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है और अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड 2a प्लस b, तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से यानी स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट, वो जो स्केलर रहता है वो सभी एलिमेंट्स से उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए आप 2a प्लस बी का मीनिंग ये हुआ कि मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 मैट्रिक्स ए, दैट इज ए का वैल्यू है 3, 2, 1 एंड 6 एंड बी, बी इज एज इट इज 1, 1, 3 एंड 2। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी स्केलर नंबर होगा, कोई भी स्केलर होगा उसका एलिमेंट्स से सभी से मल्टीप्लाई सेम होना है। देखिए क्या बनेगा, 6, 4, 2, 12 देन 1, 1, 3 एंड 2। अब वही करिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को प्लस कर दें आप, 6 एंड 1 7, 4 एंड 1 5, 2 एंड 3 5 एंड 12 एंड 2 14। ओके 6 एंड 1 7, 4 एंड 1 5, 2 एंड 3 5 एंड 12 एंड 2 14। जो ऑर्डर है इसका वही ऑर्डर फाइनली वही आएगा 2 बाई 2। यानी किसी भी इस टाइप के भी कोई पोजिशन कोई क्वेश्चन आते हैं, मान लो आपको 2b प्लस a का वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे आप b मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे देन उसमें a को प्लस करेंगे। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट के साथ में ईजी भी लग रहे हैं और आपको इसको अच्छे से करना है क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। और आगे बात करने में मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन के बिना आपका ना तो इन्वर्स निकलेगा और आगे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चंस भी इसी से बनते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन को भी देख लेते हैं। ओके चलो मल्टीप्लिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।